ऑल राइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में या फिर कहीं भी जहां आप रहते हो वहां पे कोई आपको परेशान कर रहा हो या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, यानी कि आपको जबरदस्ती आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपको कोई भी डिस्टरबेंस हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि एक एप्लीकेशन से आप कैसे इस चीज़ का रिलीफ ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रो। Okay, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूसेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ, एक्चुअली न्यूसेंस में क्या क्या आता है। ओके, तो न्यूसेंस में वो आता है जैसे कि सपोज आपकी कोई सोसाइटी में कोई हल्ला मचाता है दारू पी के, या फिर कोई भी आपको डिस्टर्ब करता है रात को, या फिर जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तो कोई म्यूजिक बजाता है रात को, या फिर मंदिरों में जो बड़े बड़े वो लाउड स्पीकर्स लगाते हैं उससे आपके बच्चों की स्टडी इफेक्ट होती है, वो आ गया। ओके, नेक्स्ट आ गया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कोई सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इलीगल, यानी कि काम दिन में होना चाहिए वो रात को कर रहे हैं सपोज, तो रात को कर रहे हैं तो उससे आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। ओके, नेक्स्ट हो गया कि कोई जानवर आ गया आपकी सोसाइटी में या फिर आपके जहाँ रहते हो वहाँ पे कोई जानवर आ गया खतरनाक, जो कि एंडेंजर है बच्चों के लिए या फिर हेल्थ के लिए लोगों की, कि भाई उनसे उसको डेंजर है। ओके, नेक्स्ट हो गया कि कोई भी व्हीकल हो गया, यानी कि आपके घर के आगे किसी ने कोई व्हीकल खड़ा कर दिया, या फिर ऐसा व्हीकल जो ऐसी जगह पे खड़ा किया है वो काफ़ी प्रॉब्लम देता है। ओके, नेक्स्ट आ गया कि भाई कोई ऐसा वेल है, यानी कि कोई ऐसा गड्ढा है वहाँ पे आपकी सोसाइटी में जो कि एंडेंजर हो सकता है बच्चों के लिए, यानी कि कोई बच्चा उसमें गिर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, ये तो हो गई जनरल बातें, अब ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपकी सोसाइटी में अगर हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई इलीगल काम हो गया, या फिर कोई आपके पड़ोस में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ओके, देह व्यापार चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या करना होता है आपको, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या होता है, जैसे कि SDM, DM, डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो DM हो गया, अगर तहसील लेवल है तो SDM हो गया, या फिर कोई और मैजिस्ट्रेट जो भी वहाँ पे बैठता हो, तो उसको आपको 133 के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन लगानी है और आपको सारी कंडीशन बतानी है कि भी हमें ये प्रॉब्लम है, और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, कंसर्न्ड अथॉरिटी से बात करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा। ओके, अब कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, या म्यूनसिपैलिटीज़ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ओके, तो जैसे ही आप ये चीज़ करते हो आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब इस चीज़ को आप क्वेश्चन इन लॉ में नहीं लगा सकते, यानी कि सपोज आपने ये फाइल की, ओके, तो इस चीज़ को कोई पर्सन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये कंडीशनल ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का, यानी कि उसके पास पावर है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को रिलीफ दे सकता है। ओके, तो हम इसको छोटी PIL भी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जो बड़ी PIL होती हैं वो हाई कोर्ट में होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, जो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर लोकल एरिया में। ओके, तो आपको मैं केस बताता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो होता क्या था कि भाई मार्च का महीना था, ओके, मार्च के महीने में आपको पता है बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली, प्राइमरी से सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं मार्च या मई के महीने में। ओके, तो ऐसे में क्या होता था, कुछ सोसाइटी के लोग वहाँ पे मंदिर में लाउड स्पीकर बजाते थे जब बच्चों का पढ़ने का टाइम होता था, तो कुछ एमिनेंट पर्सन थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया भाई 133 की एप्लीकेशन लगाई और उस जो लाउड स्पीकर था उसको आवाज़ कम करवाई, यानी कि उसको बंद नहीं करवाया, उसको कम करवाया कि रीज़न देखे कि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह रहे कि आप बंद कर लो, आप उसको कम कर लो। ओके, तो ऐसे रिलीफ मिल गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो आपकी कंसर्न प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो और रिलीफ ले सकते हो सोसाइटी में। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।